आप लोगों के कोई फेवरेट सीन्स या फेवरेट डायलॉग्स हैं सीरीज में जो आपको बहुत पसंद आए करते हुए भी? बिल्कुल ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है. एक मेरा बहुत ही फेवरेट सीन है जिसमें मैं बहुत इमोशनल हुई थी, जब जब रज़िया की शादी हो रही होती है एंड वो मदर डॉटर वाला सीन है कि वो उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही और कहना भी चाह रही है लेकिन दबे लफ्ज़ों में वो उसको बोल रही है और वो बेटी तो ठा उसको रियलिटी फेस करा रही है माँ को. दैट वॉज सो ब्यूटिफुल. एंड वन मोर थिंग जो मुझे मज़ा आया करके, जब मैंने यार असल में मारी आपने एक दो शॉट्स, एक दो तो लगी होंगी एक्चुअली होंगी. नो सो एक्चुअली मुझे मोहसिन सर कह रहे थे कि आपने मारना है. मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, मैं बच्चे को कैसे. मोहसिन चलते हुए आए, कंधे पे हाथ रख के बोला कोट दो. हाँ आई स्वेयर यार, प्रोमो लगाना मिल गया. हाँ कोट दो कोट. मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती, आप कैसी बातें कर रहे हैं. हाय मैं मर जाऊं ऐसे बोलो कुछ ऐसे ही. नहीं बीच में पड़ी होंगी उसको, लाजमी पड़ी. बट हाँ उन्होंने कहा कि थप्पड़ जहाँ मैं खड़ा हूँ उसने मारा है उसको. नहीं तो टेक्निकल आई थिंक वो असली था. आई थिंक सो उसकी बैक पे कुछ बांधा भी था. अच्छा चलो दिल बहलाने को गालिब. ये नहीं मैं बता रही हूँ. चलो तुम्हारे लिए कहा है कि बैक पे बांधा था. आपका आपका फेवरेट कौन सा था उन्होंने? आपका फेवरेट कौन सा? मेरा फेवरेट डायलॉग है जब अम्मा आखिर में पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहती मेरा नाम रजिया. एक मेरा वन ऑफ माई फेवरेट शॉट्स इज जो आपका आखिरी शॉट है जब रजिया आई है मारा है बेटे को और बाप खड़ा हुआ है और मोहिब के ऊपर यूं कैमरा जाता है और जो मोहिब ने एक्सप्रेशन दे दिया ना यार, मोहिब के उस एक्सप्रेशन के लिए तालियां. बट मोहिब का मेरा फेवरेट सीन है जब वो चाकू लेने के लिए जाता है. दैट्स अ वन टेक सीन दैट ही डिड इट हिमसेल्फ. ठीक है और वो उन्होंने कहा कि दोबारा होना है. And he did that exactly the same way. क्योंकि मैंने कहा क्योंकि वो रियलिटी लगना शुरू हो जाती है ना तो आपको मजा भी आता है फिर वो आप सीन करने में. The way he did that and that was one take scene कि वो गया है और उसने सब कुछ धड़न धड़न चाकू ढूंढने के लिए एंड द कैमरा इज जस्ट लाइक देयर एंड वो लेते हुए बाहर आया है. ब्रिलियंट, दैट वाज ब्रिलियंट. एंड मोमल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा बिकॉज आई नो यू पर्सनली एंड एवरी शॉट every scene I had newfound appreciation for you because yaar you were wohi main keh raha hu poles apart from what she is in real life. aur aap dekh sakte hain khwatin hoza dekhe asal zindagi mein momal sheikh ko screen pe ye kya ban ke aayi teenager ki jab keh ke jaati hai na razia maa ko ki lash uth rahi hai to khamoshi mein jo acche expression se yaar bada maza aaya. thank you yaar industry ki taraf se kaisa feedback mila aapko, audience ki taraf se? bahut zabardast, appreciation mili, bahut zabardast, bahut acha. sir pakistan nahi har jagah se phone aa rahe hain, messages aa rahe hain jahan jahan dekha. absolutely kya baat hai yaar, meri khwahish reh gayi lekin. kya meri khwahish thi, kya hina ko pata hai meri khwahish. prequel ja rahi hain aap? nahi main chahti thi ki ye mohib ko bhi pata hai, mohib bhul raha hai abhi. इतना सस्पेंस बता दे क्या? मैं चाहती थी कि ये फिल्म एज अ शॉर्ट फिल्म कटे और हम अपनी इस शॉर्ट फिल्म को जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे लेके जाएं बिकॉज ये कहानी ऐसी है कि हम अपना पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते थे इंटरनेशनल लेवल पे. एंड आई थिंक सो कि ये अभी भी पॉसिबल है. ये मेरे ख्याल से पता नहीं चैनल की टेक्निकलिटीज क्या होंगी लेकिन मेरे ख्याल से 6 chapters और 180 मिनट अगर निकाल बहुत अच्छी बनेगी. 6 chapters करके ना 6 chapters लेकिन हाँ थोड़ी लंबी होगी. हाँ लंबी होगी नहीं बट कुछ कट के नहीं हो सकता कि कट के अगर मैं तो नहीं कहूंगा कि कुछ भी काटा जाए. मैं भी अभी यही सोच रहा था कि अगर काटें तो क्या काटें कि क्या जगह नहीं है. हाँ दैट इज ट्रू. बस मैं दुआ करती हूँ कि ये किसी तरह से भी दुआ भी करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ अगर हिना तक पहुंच रही है हमारी आवाज, हमारी आवाज अगर पहुंच रही है कहीं तो इसको कहीं प्लीज शॉर्ट फिल्म शॉर्ट फेस्टिवल हो रहा है ना जुम्मन छा चांडी ओ फेस्टिवल साईं माल लगवा देते हैं बोले तो. नहीं मेरे ड्रेसेस वहां के लिए नहीं है. उन्होंने कान शान पे जाना है यार, मतलब क्या जा रहे हैं जीरो द रेड कार्पेट. मेरी वार्डरोब तो रेडी है. मेरी तो कांस की वार्डरोब रेडी है. राइट अच्छा आई वुड आल्सो वांट यू टू प्लीज
appreciate the young actors who worked with you. Shahira ne bahut hi, Mannu ka bhi bahut zabardast kaam, even Kaleem, yeah, Kaleem ka bhi, Shahira ka bhi, and bete ka bhi. Ali was also superb, but Shahira was, I think so. Outstanding job with this narrator. And जिस तरह मोहसिन सर कहते हैं, मेरे हिसाब से भी आई कैन नॉट सी एनी वन एल्स इन दिस रोल. चलो मायरा के लिए भी तालियां.